हेलो दोस्तों, रश्मि की दुनिया में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको गंगा विलास क्रूज के बारे में बताने वाले हैं। गंगा विलास क्रूज दुनिया का सबसे लंबा और आलीशान क्रूज है। 13 जनवरी 2023 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसका वर्चुअली शुभारंभ करेंगे। ये क्रूज 62 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा है। ये क्रूज किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं है। इस आलीशान क्रूज के जरिए आप भारत के 5 राज्यों के अलग अलग शहरों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस शानदार सफर के दौरान आपको विश्व विरासत स्थलों, नेशनल पार्क, नदी, घाट, उत्तर प्रदेश का वाराणसी, बिहार का पटना, झारखंड में साहिबगंज, उड़ीसा से भुवनेश्वर, पश्चिम बंगाल का कोलकाता, आसाम में गुवाहाटी और बांग्लादेश में ढाका जैसी कई सारी जगहों को देखने का मौका मिलेगा। गंगा विलास 27 नदियों पार करते हुए 3,200 किलोमीटर से अधिक सफर तय करेगा। भारत ही नहीं, बांग्लादेश में भी मिलेगा घूमने का मौका। इस आलीशान क्रूज में विदेशी क्रूज से भी ज्यादा फैसिलिटीज हैं। 18 स्वीट्स वाले इस क्रूज में शानदार और भव्य रेस्टोरेंट, स्पा और सनडेक की सुविधा भी है। खास बात यह है कि इस रेस्टोरेंट में भारतीय व्यंजनों के साथ आपको कई विदेशी व्यंजनों का भी लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। साथ ही यहां पर टॉप डेक पर आउटडोर सिटिंग के अलावा कॉफी टेबल भी मौजूद है। इसके अलावा इस क्रूज में शानदार बाथरूम, फ्रेंच बालकनी, डिलक्स रूम, स्पोर्ट्स रूम और फिटनेस रूम की भी सुविधा उपलब्ध है। गंगा विलास क्रूज भारत में निर्मित पहला रिवर शिप है, जो काशी से बोगीबील डिब्रूगढ़ तक सबसे लंबी जलयान यात्रा कराएगी। यह यात्रा विश्व विरासत से जुड़े 50 से अधिक जगहों पर रुकेगी, जिनमें सुंदरबन डेल्टा और काजीरंगा नेशनल पार्क शामिल है। यात्रा उबाऊ ना हो, इसीलिए क्रूज पर गीत, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिम आदि भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गंगा विलास आधुनिक सुविधा से युक्त और पूरी तरह सुरक्षित क्रूज है। इस क्रूज में हम 4-5 दिन नहीं बल्कि पूरे 51 डेज का सफर कर सकते हैं। गंगा विलास 27 रिवर सिस्टम से गुजरेगा, जिनमें मुख्य 3 नदियां हैं, गंगा, मेघना और ब्रह्मपुत्र। गंगा विलास भारत की 2 सबसे बड़ी नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र पर 4,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस क्रूज की स्वीट्स का आर्किटेक्चर रॉयल स्टाइल में डिजाइन किया गया है। टाइम टेबल के अनुसार गंगा विलास क्रूज वाराणसी से अपनी यात्रा शुरू करेगा। 8वें दिन बक्सर, रामनगर और गाजीपुर होते हुए पटना पहुंचेगा। पटना से क्रूज कोलकाता के लिए रवाना होगा। 20वें दिन गंगा विलास फरक्का और मुर्शिदाबाद होते हुए पश्चिम बंगाल की राजधानी पहुंचेगा। फिर अगले दिन ढाका के लिए रवाना होगा और बांग्लादेश की सीमा में प्रवेश करेगा। इसके बाद क्रूज अगले 15 दिनों तक बांग्लादेश के जल क्षेत्र में रहेगा। अंत में गुवाहाटी के रास्ते क्रूज भारत वापस आएगा। इस क्रूज में 18 कमरे हैं, जिसमें 36 लोग सफर कर सकते हैं। यात्रियों के साथ ही 36 क्रू मेंबर भी इसमें सवार होंगे। इस क्रूज में फिल्ट्रेशन प्लांट है, जिसकी वजह से गंगा का पानी लेकर ही उसे फिल्टर करके नहाने धोने और दूसरे काम में प्रयोग किया जाएगा। गंगा विलास का अपना एसटीपी प्लांट है, जिससे गंगा में पोल्यूशन नहीं होगा। इस जहाज में 40,000 लीटर का फ्यूल टैंक है, जिससे 30-40 दिन तक फ्यूल की कमी नहीं होगी। यात्रियों की सुविधा को ध्यान रखते हुए तकरीबन 60,000 लीटर की पानी की टंकी है, जिससे अगर खारे पानी में भी क्रूज जाता है तो 2 से 3 दिन तक पानी की कमी नहीं होगी। गंगा विलास में स्पा, जिम, लाइब्रेरी है और सनबाथ के लिए रूफटॉप की व्यवस्था है। गंगा विलास क्रूज देखने में बहुत खूबसूरत है और उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई पानी में तैरता हुआ लग्जरी होटल। बनारस से जाने वाला यह क्रूज नदी परिवहन और पर्यटन के लिए
एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यह जिन इलाकों से गुजरेगा उन छोटे छोटे ज़िलों पे भी रुकेगा, जिससे पर्यटक उन ज़िलों से वाकिफ होंगे और इनके वहाँ जाने से टूरिज़्म बढ़ेगा। गंगा विलास की कुल 52 डेज़ की यात्रा होगी। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने इस क्रूज़ के टाइम टेबल का विमोचन किया है। दुनिया का सबसे लंबा, भव्य और शानदार गंगा विलास क्रूज़ मंगलवार को वाराणसी पहुंच गया है। गंगा विलास को राजघाट से करीब 8 किलोमीटर पहले रोना गांव के सामने रोक दिया गया था। 12 जनवरी की रात क्रूज़ रविदास घाट पहुंचा था। यहां से 13 जनवरी को पीएम मोदी वर्चुअल इसे हरी झंडी दिखाकर डिब्रूगढ़ के लिए रवाना करेंगे। गंगा विलास क्रूज़ के इंटीरियर की बात करें तो इसके फर्नीचर, क्रॉकरी, कमरों के रंग व डिज़ाइन में 1960 के बाद के भारत की झलक दिखेगी। क्रूज़ का इंटीरियर देश की संस्कृति और धरोहर को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। इंटीरियर में सफ़ेद, गुलाबी, लाल और हल्के रंगों का इस्तेमाल किया गया है। वुडन फ्लोरिंग और रंगों का बेहतर तालमेल पर्यटकों को सबसे अधिक पसंद आ रहा है। क्रूज़ में 3 डेक हैं, तीनों डेक पर अलग अलग सुविधाएं हैं। क्रूज़ पूरी तरह से इको फ्रेंडली है। कचरों को एक जगह एकत्र कर सुरक्षित रूप से निस्तारित किया जाता है। क्रूज़ को इस तरह डिजाइन किया गया है कि पर्यटकों को प्लास्टिक की बोतलों की जरूरत ही ना पड़े। गंगा विलास क्रूज की अपस्ट्रीम में रफ्तार 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, डाउनस्ट्रीम में इसकी रफ्तार दुगनी हो जाती है। क्रूज के संचालन में एक दिन में 1,000 लीटर डीजल खर्च होता है। इसकी ईंधन क्षमता 40,000 लीटर की है। इस लिहाज में 40 दिन तक यह लगातार पानी पर तैर सकता है। यह रिवर क्रूज लगभग 51 दिनों में देश के सांस्कृतिक दिनों से जुड़ने और इसकी विविधता के खूबसूरत पहलुओं की खोज करने का एक अनूठा अवसर है। गंगा विलास रिवर क्रूज पानी में चलता फिरता 5-स्टार होटल है। गंगा विलास क्रूज आत्मनिर्भर भारत का उदाहरण है। ऐसे ही नई नई और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल कृष्ण की दुनिया को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।